चैनल और आज हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देखने वाले हैं जो एंजल्स की तरफ से होगी और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन पाइल है ठीक है पे है राइट एंड एंड क्रैब तो आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है और कनेक्शन बन पा रहा है ठीक है वेल के साथ स्टारफिश क्रैप ठीक है तो आपको जो ये प्यारे प्यारे जो क्यूट से हैं ठीक है इन्हें एनिमल्स पेट भी कह सकते हैं हम ठीक है तो आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो जिसके साथ अच्छा कनेक्शन बन पा रहा हो आप उन्हें चूज कर लीजिए सॉरी यहाँ पे आ, कलर वाइज नहीं चूज करना है ठीक है आप इन्हें ऐसे ही चूज कीजिए तो टाइम से टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और जो वेल है वो पार्ट वन स्टार फिश पार्ट टू एंड क्रैफ्ट स्पाय थ्री तो हम पार्ट वन वेल के साथ स्टार्ट करते हैं तो चलिए आइए देखते हैं आपको क्या गाइडेंस देने चाहते हैं आपके एंजल्स हेलो पार वन जिन्होंने पार्ट वन चूज किया था यू वेल तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ठीक है चलिए ओके एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है कॉम्प्रोमाइज okay, आपके लिए ये कार्ड आया है एक कॉम्प्रोमाइज का ठीक है चलिए इन्हें रख लेते हैं और देखते हैं फिलहाल आपके लिए क्या एडवाइस है अलोनेस okay. मैं पहले बता दूं ये जनरल रीडिंग है हो सकता है कि सबसे सब कुछ रेजोनेट ना करे तो आपसे जो रेजोनेट करता है वो आप ले ले ठीक है आपके आपको लगता है कि शायद ये चीज आपके लिए बोली जा रही है यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए आया है तो वो आप एक्सेप्ट कीजिए उसे और बाकी अगर नहीं मैच हो रहा तो कोई बात नहीं क्योंकि आपके लिए शायद वो उतने ही गाइडेंस शायद सफिशियंट होगी और वही आपको एंजल शायद बताना चाह रहे होंगे ठीक है पेशेंस ओके सिक्स नंबर सेवन नंबर हैं, नाइन भी है ओके, दो रुपया वन मोर कुछ कार्ड आए हैं जो है कॉम्प्रोमाइज पोस्टपोनमेंट तो ठीक है तो यहाँ पे पहली बात हम कॉम्प्रोमाइज से कर लेते हैं कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज ना करें ठीक है आप जो चाहते हैं आप वो जरूर करें और कभी भी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करें अगर आप हो सकता है अभी किसी ऐसे स्टेज पे हो जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा हो या सब या आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो ठीक है आप जो चाह रहे हैं आप वो ना आप वो मत करिए किसी और के कहने पे या किसी और के लिए कुछ ऐसा करें ठीक है अगर आपको दिल से करते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपका दिल नहीं मान मान रहा है अनफोर्सफुल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है बट अगर अभी आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो बाद में आपको ये बात जाके रिग्रेट ना हो कि आपने उस टाइम कॉम्प्रोमाइज क्यों किया आपको जो चाहिए था आप उसके लिए फाइट क्यों नहीं किया आपने ठीक है तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड ही वेरी हैवी है राइट अभी तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो बट क्या है आगे जाके आपको रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों किया था कॉम्प्रोमाइज ठीक है मैं जो चाहती थी अगर वो शायद अगर मैं कर लेती या कर लेता तो शायद मैं हो आपको रिलेट कर सकते हो आपको कौ, कौ, नहीं करने को कहा जा रहा है ठीक है आप कॉम्प्रोमाइज ना करें कोशिश करें कि आप जो चाहते हैं उसके लिए आप पहले फाइट करें और जितना हो सके आप अपना पूरा हंड्रेड परसेंट दो फाइट करो अगर फिर भी ऐसी हो रही कि आप, आप नहीं जीत पा रहे हो सकता है कि जो ऊपर वाला है वो यही चाहता है कि जो वो कह रहे हो सामने वाले वही आपके लिए बना हो या वही सही हो आप जब तक फाइट कर सकते हो अपने लिए चूंकि आपके लिए कोई और फाइट करने नहीं आएगा जो आप चाहते हो जो आप पाना चाहते हो करना चाहते हो लाइफ में वो कोई और तो आपके लिए आके ना लड़ेगा ना कहेगा आपको अपने लिए खुद ही आवाज उठानी है और लड़ना है उसके लिए चाहे वो किसी चीज में भी हो बट आपको कॉम्प्रोमाइज जब स, जब सब तक दिल से नहीं आ रहा कि यस मुझे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए तब तक आप मत करिए अगर ऐसा है ठीक है लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए आपके दिल से आवाज आ रही तब आपको कर लेना चाहिए क्योंकि आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में वही चीज सबसे ज्यादा बेहतर है ठीक अलोननेस तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अलोन फील कर रहे हो आपको बात करने के लिए कोई नहीं है जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सको ठीक है आप वैसे तो बड़ा हंसते खेलते दिखते हो गए बट क्या है कि आपके अंदर काफी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते जो की आपके आसपास उस तरह के लोग हैं नहीं या फिर हो सकता है होंगे भी आप कुछ लोगों पे हो सकता है ट्रस्ट नहीं कर सकते या फिर आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो ठीक है आप आपको लग रहा है कि आप खुल के जो कुछ ही लोग के सामने हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं सबके सामने बहुत मुश्किल है ठीक है तो हो सकता है आपके आसपास इस तरह का कोई पर्सन ना हो पर ये आपके लाइफ में जो अलोननेस आया है ठीक है ये लाइफ में इसलिए आता है कि आप अपने साथ थोड़ा समय बिता सके राइट? जब आप किसी से बात नहीं कर पाते हो तो आप खुद से बात करते हो और खुद को जानने की कोशिश करते हो और जो सोल है आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है आपसे बातें करती है और वो टाइम सिर्फ आपका ही होता है सिर्फ और सिर्फ आपका जिसमें आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हो ठीक है और जब आप उस अलोनेस से निकलते हो आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो ठीक है आपने कभी भी अपने लाइफ में अगर ऐसा पल आया भी है पहले भी तो आप अगर सोचने बैठेंगे अभी तो आप खुद ही सोचिए कि अगर ऐसा कोई समय आया है आपके लाइफ में अलोननेस वाला तो आपने आप जब भी वहां से बाहर निकले हो तो स्ट्रांग बन के ही निकले हो जो आपने अपने आप को थोड़ा सा जानने का समय आपको मिला और आपने खुद को जाना है ठीक है अगर आप इस अलोननेस को अः एनजायटी स्ट्रेस के साथ अगर गुजारेंगे तो ये थोड़ा और आपके लिए मुश्किल ही क्रिएट करेगा बट अगर आप इसमें थोड़ा काम हो जाते हो अपने आप को काम रखने की कोशिश कर लेते हो तो आपकी ही जीत होगी उसमें ठीक है तो ये आप कोशिश कर सकते हो अपने लिए कि अगर आपको ऐसा समय मिल रहा है या लोन वाला ठीक है तो आप उसमें काम रहने की कोशिश करें और खुद को समय दे कीजिए जो आपको अच्छा लगता है वो करो और खुद को समय दो तो आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा हम अभी भी अपने आप को बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं ठीक है तो आपको खुद को जानने का समय मिलना मिल रहा है यहाँ पर ओके पेशेंस रखने को आपको किसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है या पेशेंस का कार्ड है तो हो सकता है कि आपके लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा लिखा हो ठीक है बट अभी आप हड़बड़ कर रहे हो कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए या फिर आप सोच रहे हो कि सब कुछ जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो जा रहा है लाइफ में ठीक है या फिर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है बट वो क्या है टेम्परेरी है ठीक है तो शायद आप किसी चीज़ से कुछ ज़्यादा ही पोख हो रहे हो बट आपको पता ही नहीं कि वो थोड़े टाइम के लिए है बस और चला जाएगा अगर आप इसे काम होके फेस करते हो तो शायद ये और जल्दी जल्दी चला जाए ठीक है तो बट ये चीज जितनी देर आपको पोक करती रहेगी उतना आप जितना परेशान रहोगे ये उतना ही लेट होगा ठीक है तो आपको या फिर किसी चीज के लिए पेशेंस रखने को कहा जा रहा है जो कि आगे जाके कुछ चीजें में कुछ चीजों में बदलाव आएगा जो कि बदलाव ही जीवन का कह सकते हैं एकमात्र वो है कि चेंजेस तो होने ही होने हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करने को कहा जा रहा है पेशेंस रखने को कहा जा रहा है जो कि हो सकता है आने वाला समय आपके लिए कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतर लेकर आएगा ठीक है द रिबेल द रिबेल मुझे ये बता रहा है तो रिपेयर कार्ड हमें ये बताता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ चील भी है इस रिपेयर कार्ड में तो कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहते हो सकता है कि आपकी जो कार्ड्स आए हैं वो अगर पूरा ओवरऑल की बात भी मैं करूंगी तो ये मुझे कार्ड्स ये बता ये कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी रिस्ट्रिक्शन में रह, नहीं रहना चाहते हो आप थोड़े अपने दिल की सुनना चाहते हो बट हो सकता है आपके आसपास ऐसा कुछ माहौल है जहां अपनी आप दिल की नहीं सुन पा रहे हो आपकी दिल की आवाज़ आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है इसलिए अलोनस का कार्ड भी आया अलोनस का कार्ड भी तभी, तभी रहता है मतलब जब आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी होती तभी आपको अलोनस का टाइम मिलता है लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग अलोन टाइम में हो फिर भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो ठीक है या फिर आप लोग कुछ अपनी मर्जी करना चाहते हो अपने दिल से कुछ करना चाहते हो आप किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, जो चील होती हम जानते हैं वो सबसे बादलों के भी ऊपर उड़ती है ठीक है सबसे ऊंचाई पर उड़ती है ठीक है बिना किसी बंदिशों के तो कहीं ना कहीं आपको कोई बंदिश नहीं चाहिए अपने लाइफ में आप उड़ना चाहते हो और अपने मन में जो भी है और अपने आप लाइफ से आपके भी कुछ अरमान है कह सकते हैं कि आप लाइफ में कुछ चीजें ऐसे करना चाहते हो लो तो लोग भी करना है तो लाइफ में कुछ चीजें ऐसी करना चाहते हैं बट क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है ठीक है इस तरह का ख्याल शायद आपके मन में हो सकता है आता हो और यहां पे एक और कार्ड है पोस्टपोनमेंट का ठीक है पोस्टपोनमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आप कोई भी चीज आने वाली होगी उसको आप पोस्टपोन मत कीजिएगा कोशिश कीजिएगा कि पोस्टपोन ना कर किया जाए ठीक है तो अगर कोई इवेंट है आपके लाइफ में अगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो ये जरूरी इम्पोर्टेंट होगा हमारी लाइफ में जो भी होता है वो सब चीज़ हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले कर रही होती है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो अगर आपके लाइफ में कोई इवेंट है या फिर कुछ भी होने वाला है ठीक है और वो इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए बट या फिर इम्पोर्टेंट नहीं भी है तो आपसे कहा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज है उसे पोस्टपोन ना करें अगर ऐसा कुछ होता है अगर आप पोस्टपोन कर देते हैं तो उसका फिर कभी समय ही ना मिले आपको ना उसका समय कभी आए ठीक है आप सोचो कि उसको पोस्टपोन फिर हम बाद में चले जाएंगे तो बाद में नहीं आने वाला है ठीक है इसलिए आपसे कहा जा रहा है कोई चीज ऐसी है लाइफ में जिसे आप पोस्टपोन ना करें ठीक है है पे मुझे फील हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जा रहा है ठीक है उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि कि उनको लग रहा है कि क्या मुझे लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए कोई भी चीज को लेकर हो और अभी वो थोड़े अकेले हैं ठीक है बट उनको थोड़ा पेशेंस इस समय उनको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है क्योंकि अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लेना आपके लिए अः कह सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या तो फिर आप वही करोगे जो आपको अभी तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया लेकिन बाद में जाके क्या होगा रिग्रेट फील होगा ठीक है या फिर ये भी कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा पेशेंस रखो जो आगे समय चेंज हो सकता है वो आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े ठीक है तो अभी जल्दबाजी में आपको कुछ भी फैसले लेने की जरूरत नहीं है हो सकता है कि अभी आप शायद गलती इसमें भी कर रहे हो कि मुझे अपनी करनी है अपनी करनी है अपनी करनी है हो सकता है जो आपके आस वाले हो वो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हो बट आप अभी इस चीज को देख के चल रहे हो कि नहीं मुझे तो अपनी ही करनी है मुझे जो चाहिए तो वो तो चाहिए ही चाहिए ऐसे ये जिद भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपको प्रॉब्लम में डाल सकती तो आपसे कहा जा रहा है ना जिद्दी होके फैसले ले ना कॉम्प्रोमाइज करें ठीक है थोड़ा समय का वेट करें और थोड़ा समय ले लीजिए कि मैं थोड़ा समय ले लेता हूँ कम से कम अपने आपको तीन दिन या तीन दिन का ही समय दीजिए ठीक है तीन दिन बहुत है तीन दिन क्या आप दूसरे दिन ही आपका माइंड चेंज हो जाएगा ठीक है तो कम से कम अपने आपको तीन या पांच दिन का समय दें जिसमें आप, आपका मुझे मुझे जहां तक लगता है कि यस इट वर्क्स आपका माइंड चेंज हो जाएगा ठीक है अगर आपको कोई चीज परेशान करे तो वो भी कहीं ना कहीं जो कि चीज़ें टेम्प्रेरी ही होती हैं और जब आपको परेशान करके चली जाती हैं मतलब आप काम हो जाते हो उसको उस पर ध्यान नहीं देते तो वो तो तुरंत ही उसी टाइम चली जाएगी ठीक है तो चीजें ऐसी होती जब तक आप उस पर ध्यान देते रहोगे वो आप और पुक करेगा आपको और जब आपका ध्यान वहां से हट जाता है तो फिर वो खत्म भी होने लग जाती है धीरे धीरे ठीक है क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस आप अपने थॉट्स अपने माइंड में खुद ही आप उस पर ध्यान देंगे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हो और जैसे ही आपका ध्यान कहीं और जाता है डिस्ट्रैक्ट होते हो वहां से उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप कम हो जाती है वैल्यू कम हो जाती है वो आपको परेशान भी नहीं करता फिर ठीक है तो चीजें ऐसे ही काम करती हैं जो आप जिस जिसपे ध्यान दोगे वो चीज आपको और उतनी बड़ी बना देगी और जिस जिसपे नहीं ध्यान दोगे वो उतनी ही छोटी नजर आएगी ठीक है तो ये आपके लिए कुछ मैसेज है और भी देख लेते हैं आपसे क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स ओके okay, ये एक कार्ड आया है हम इसे ले लेते हैं द दुत आपसे ही सच कहने को कहा जा रहा है हो सकता है कि किसी बात के लिए आप हो सकता है कि कोई चीज आप जानते हो कि ये सच है है बट आपका दिल ने आप खुद ही नहीं मानना चाहते हो कभी कभी क्या होता है? कोई चीज सच होती है बट हम खुद ही नहीं मानना चाहते है। पता है कि वो सही है बट सही है वो ट्रुट है बट क्या हम लोग खुद ही नहीं मान मानना चाहते कभी कभी ठीक है ये भी होता है क्लीन अप योर मेस हो सकता है आप ही ने शायद कुछ कहीं ना कहीं मेस कर दिया है चीजों को शायद तो उतनी होने की जरूरत नहीं थी बट आपने ही कोई कोई चीज ऐसी है जिसको ज्यादा कर दिया है ठीक है तो पहले तो है क्लीन अप योर मेस सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है इन रियल वो ऐसा कुछ है ही नहीं हम ही ज्यादा सोच रहे हैं ठीक है ठीके? आपको ही ज्यादा आप अपने माइंड में इतना मेस बना लिए हो या फिर आपने अपने बिहेवियर से अपने आ, से कुछ कोई चीज ऐसा रिलेशन है इसको मेस कर दिया है कुछ चीज ऐसी है जो आप आपने खुद से खराब कर दी है ठीक है तो पहले आपको ये कहा जा रहा है क्लीन अप योर मेस और बंद कर दीजिए वो मेस फैलाना स्टॉप ठीक है आपको स्टॉप रहने को भी कहा जा रहा है और हो सकता जरूरी नहीं है कि ये मेस स्टॉप करने को कहा जा रहा हो कोई चीज ऐसी है जो आपको स्टॉप करने को भी कही जा रही है ठीक है द दतरुत हो सकता है किसी और किसी आपको से आपको सच कहने की जरूरत है या खुद से आपको सच कहने की जरूरत है ठीक है आपके लिए आया है ठीक है और ये भी आपके लिए कार्ड है जैसे कि ये चीज भी ये जो कार्ड आया है कहीं ना कहीं वो इससे काफी हद तक रिलेट कर रहा है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ आप छोटी छोटी चीजों पे अपना पसीना क्यों बहा रहे हो क्योंकि वो आपको लाइफ में इतना मैटर नहीं करने वाली है ठीक है तो कहीं ना कहीं आप ऐसी बातों को परेशान हो रहे हो जिसका कोई मतलब है ही नहीं या फिर आगे जाके उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है ठीक है तो जो छोटी बातें हैं ना कहीं ना कहीं कही हमने मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि आप क्या है छोटी बातों को जिसका कोई वैल्यू नहीं है आप उसको इतना ज्यादा तो किस तपज्जु कहते हैं ना कहते हैं कि आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो और वो वही वो जो छोटी बात वो अपने आप बड़ी बन जाती है जबकि उसकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है ठीक है कुछ है ही नहीं वो बट आपने जैसे कहते हैं राय का पहाड़ बनाना तो उस राय को अपने दिमाग में ही आपने उसको पहाड़ बना के रखा है ठीक है तो जो भी आपने अपने माइंड में मिस करके रखा है या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आपने मिस कर दिया है ठीक है आपको लग रहा होगा ये पर्सन ऐसा है वैसा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद ही सोच लेते हैं ये पर्सन जरूर ऐसा होगा अपने आप ही उसको जज करना शुरू कर देते ये ऐसा वैसा और मैस क्रिएट रिलेशनशिप भी उसके साथ खराब ठीक है तो ज्यादा ना सोचे ठीक है आप छोटी छोटी चीजों पर अपना पसीना बहा हैं और वो फालतू है ठीक है ये कहने की कोशिश हो रही है हो सकता आप में से सबके लिए नहीं हो सकता कुछ लोगों से रिलेट कर रही हो ये सब चीजें क्योंकि ये मैसेज ये एक तो पहली बात जनरल रीडिंग है ये जरूर किसी ना किसी के लिए मैसेज है जो आया है यहाँ पर और अगर कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ चीजें आपसे रिलेट कर रही होंगी और आपको कोई ना कोई मैसेज तो पहुंचाना चाह रहे होंगे ये फाइल आई और आपने सेलेक्ट की है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके साथ इसका बन रहा होगा थोड़ा पेशेंस रखिए ठीक है थोड़ा पेशेंस रखिए अगर आपको अलोन टाइम मिल रहा है ठीक है तो ये इसको अलोन होने का आप गॉड को कोसिए मत कि मुझे अकेला कर दिया मेरे साथी क्यों होता है ठीक है वो मैं आपको बता रही हूँ इसका फायदा उठाइए इसका फायदा ऐसे उठाइए कि जब आपके आसपास लोग होते हैं तब आप उनको जानने की कोशिश करते हो ऑब्जर्व करते हो उनका बिहेवियर देखते हो फिर बाद में अपने दोस्तों से बात करते हो ये ऐसे कर रही थी वो तो वैसे कर रहा था खुद सबको बहुत देख लिया अलोन टाइम क्यों मिलता पता है इसलिए मिलता है कि आप खुद को जानो खुद को समझो खुद को देखो ठीक है बहुत हो गया लोगों को बहुत देख लिया अप, अपने अंदर झाको तो इस अलोन चीज का आप उस तरीके से इस्तेमाल करिए ठीक है इसको प्रॉपर वे में यूज करिए जो आपको अलोन टाइम मिलना है ठीक है आप इसको ये मत समझिए कि मेरे साथ ही गॉड ऐसा क्यों करते हैं या मुझे ही सबसे अलग क्यों कर दिया मेरा कोई फ्रेंड नहीं है मेरे आसपास कोई नहीं है मुझे समझने वाला कोई नहीं है ठीक है चूंकि ये सिचुएशन हर एक इंसान के लाइफ में आती है चाहे उसके माँ बाप उसके साथ हो चाहे उसके बेस्ट फ्रेंड उसके फ्रेंड उसके साथ हो उसका पार्टनर उसके साथ हो बट ये चीजें लाइफ में सबके साथ आती है क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि ईश्वर चाहता है कि आप खुद को जानो ठीक है तो आप इसे गलत वे में कभी मत लेना कि आपको भगवान ने अकेला कर दिया या फिर कुछ भी ठीक है लोग ये सब सोच के अकेलेपन में डिप्रेस हो जाते हैं आपको डिप्रेस नहीं होना है राइट तो ये चीजें आपको समझनी है ठीक है माना आपको अपनी करनी है बहुत अच्छी बात है ठीक है हो सकता है आप में से काफी लोग इन दोनों के बीच में फंसे हों कि क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए या फिर मुझे अपने दिल की सुनना चाहिए क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए ठीक है अगर आप इस मझदार में हो इन दोनों चीजों में फंसे हो कि क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या अपने दिल की सुनना चाहिए ठीक है तो मैं आपको बता दूं आपके लिए ये बात है कि पहले आप अपने आप को खुद को समय दें ठीक है कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर ये ऐसा चल रहा है आपके माइंड में आप दो तीन दिन तो कोई इतनी जल्दी आपको ना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है ना अपने लिए जीने की जरूरत मतलब अपना डिसीजन आप दे दें ठीक है पेशेंस रखिए थोड़ा अपना समय लीजिए ठीक है पेशेंस रखिए और थोड़ा अपना समय लीजिए उस पर विचार कीजिए उस उसपे सोचिए उसके बाद ठीक है कम से कम थ्री और फाइव डेज आप ले लीजिए आपका माइंड वगैरह मूड वगैरह सब बदल जाता है तीन तीन पांच दिन में ठीक है आपको यह लगेगा कि कि मैं क्या तो पे ध्यान दे रही थी बात कर रही थी बदल तो कभी -कभी जाती है सब कुछ लगता है फाइन तो कभी कभी टाइम दे देना चाहिए खुद को भी या फिर चीजों को भी और कभी कभी ऐसा सोचिए अभी तो दो दिन बाद तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ ये भी आप सोच सकते दो दिन बाद तो सब चेंज हो जाना है तो मैं इस पर क्यों परेशान परेशाना अगर आप ये भी सोचोगे ना तो आपको लेकर दो दिन बाद तो सब चेंज हो ही जाना है आपका ध्यान वहां से हटा और आपकी जो चीजें जो आपने पहाड़ बना के रखा है वो अभी फिर राय जैसी हो जाएगी ठीक है इस तरह भी आप चीजों को थोड़ा कम कर सकते हो राइट तो थोड़ा टाइम दे और कोई भी डिसीजन गुस्से में या फिर आ, इमोशनल होकर ना लें सोच समझ के और समय लेके लें ठीक है तो ये थे आपके लिए मैसेज तो अगर आपसे कुछ भी रेजनेट करता है रिलेट करता है या आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ठीक है और लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट पायल की तरफ चलते हैं हेलो पायल टू जिन्होंने ये स्टार चूज़ की थी तो चलिए ठीक है जानते हैं आपके लिए क्या मैसेज है क्या गाइडेंस आ रही है की okay, एक्सहॉशन तो ये मैं बताना चाहूंगी कि जनरल जनरलीली है तो आपसे जो रेसूनेट करता है आप उसे ले लो एक्सेप्ट कर लो जो नहीं कर रहा है इट्स ओके okay. हो सकता है आपके लिए उसी में कोई ना कोई मैसेज हो और आपको शायद हो सकता है कुछ रास्ते मिले कुछ डायरेक्शन मिले और आपकी जो उलझन है शायद वो भी कम हो सकती है करेज Nice cards, courage, participation, consciousness. ये कार्ड्स खुद से आए हैं हैं तो हम भी ले लेते चलिए फिलहाल मैं तो फाइव कार्ड्स ही लेने वाली थी बट एक और कार्ड आया है तो जरूर इसमें कोई ना कोई इसका मतलब होगा ठीक है तो पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जॉशन आया है तो आप कहीं ना कहीं बहुत थक चुके हैं अपने लाइफ से लाइफ से नहीं कहूंगी हो सकता है किसी चीज में आप फंसे हुए हैं एंड वही चीजों दोबारा होते दोबारा होते या फिर हो सकता है किसी का वेट करते करते और किसी कोई भी चीज है जो आपको अब थका चुकी है अब आप, आप उससे हटना चाहते हैं मूव ऑन होना चाहते हैं ठीक है अगर मूव ऑन नहीं करradas, करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज को करते 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 थक चुके हैं ठीक है और कुछ न्यू कुछ अपने लाइफ में चेंजेस चाहते चाहते हैं हैं स्पार्क जो जिस तरह शायद आप सोच रहे हो कि मुझे काश ऐसा होता काश वैसा होता बट अभी वैसा कुछ हो भी नहीं रहा है आपके लाइफ में और आप थक चुके हो अपने लाइफ में ठीक है कोई चीज आपको बस वही गोल 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 घुमा रही है कुछ नया चाहते हो कोई नया रास्ता चाहते हो कुछ भी डायरेक्शन ऐसा कुछ हो जो न्यू हो आपको कुछ स्पार्क चाहिए लाइफ में बहुत हो गई ऐसे गोल 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 घूमना वही सब चीजें दोबारा होना ठीक है तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है करेज तो हो सकता है कि आप अपनी कोई ऐसी चीजों में फंसे हुए हो जहां से आपको अपने मतलब कह सकते आप क्यों फंसे हुए हो ये भी हम इस पे दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं एग्जॉशन एंड करेज कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो आप कुछ और ट्राई नहीं कर रहे हो आप वहीं पे गोल 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 घूम रहे हो चूंकि आपको इसकी आदत हो चुकी है ठीक है आपको किसी का वेट करने की भी आदत हो गई है चूंकि आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगी है अब आपको आप उसी चीज को एंजॉय कर रहे हो किसी का किसी को सोचना और उसको वेट करना उसका वेट करना कहीं ना कहीं आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आप कि अंदर करेज आना चाहिए कि अगर जो आ, कोई और पर्सन कभी कभी आप सोचते हो कि नहीं अगर मुझे चाहिए तो वही कोई और नहीं चाहिए क्योंकि तो आपको लगता है कि डर लगता है कोई और आएगा फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा एंड अगर उसने उसने भी ऐसा ही किया तो क्या होगा तो ये सब करेज जो लोग लाइफ को जीना चाहते हैं वही इतने बड़े बड़े डिसीजन लाइफ में लेते हैं ठीक है तो अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हो कोई है पर्सन जो वही जॉब किए जा रहा है किए जा रहा उसको मजा नहीं आ रहा बट वो किए जा रहा है किए जा रहा है लाइफ को जीना है ठीक है अगर आपको लगता है ये मुझे अब ऑन नहीं होगा या मुझसे मुझे ऑन नहीं करना है इट्स ओके टेक योर टाइम ठीक है आप अपना टाइम लो सोचो अगर आपको जो अच्छा लगता है अपने लाइफ में कुछ तो अच्छा लगता होगा आपको करना आप वो करो ठीक है करेज करेज मुझे ये बता रहा है कि शायद आप अपने अंदर जो पावर है उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और जो अपने अंदर की करेज है ठीक है वो आप सामने नहीं ला रहे हो ठीक है चाहे जैसे भी सिचुएशन आपकी हो आप उसे फाइट नहीं कर रहे हो ठीक है फेस नहीं कर रहे हो मैं ये कहना ज्यादा पसंद करूँगी कि आप उसे फेस नहीं कर रहे हो उस प्रॉब्लम को ठीक है तो आप कहीं ना कहीं जैसे भी हालात है उन हालातों से समझौता करने को रेडी हो और चीजों को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि आप आपकी जो एंजल्स है वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर करेज लाओ ठीक है वो जो जो पौधा आप देख रहे हो पत्थरों के बीच में दबा हुआ है चाहता तो वो भी ना आगे आता उसको वो वही चाहता दब के वही मर जाता बट उसने क्या किया करेज किया अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं जिंदगी में ठीक है अपने रास्ते हमें खुद बनाने पड़ते हैं और बस भगवान का भगवान पे भरोसा रखिए आपके पास सब कुछ है, सब कुछ कुछ है है भरोसा रख के आगे बढ़ते जाइए आपका रास्ता भी खुद ब खुद बनता जाएगा और आपको खुद ब खुद आप रास्ता अपने बनाते भी जाओगे और बनता भी जाएगा ठीक है सब कुछ अपने आप होगा बट क्या है थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है खुद पे भी सबसे ज्यादा तो खुद पे अगर इस फ्लावर ने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया होता तो शायद ये कभी आगे उग ही नहीं पाता बट इसे अपना रास्ता खुद बनाया एंड अब आप, आप देख सकते हो कि वो जगह कितनी पतली है कहीं ना कहीं वो बीच पता न, न जाने कैसे वहां गया होगा और फिर ये के किसी तरह अपनी जगह बनाते हुए बाहर आया है ठीक है तो आपको भी अपनी कहीं ना कहीं जगह अपने से बनानी होगी अपना रास्ता खुद बनाना होगा चीजों जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें फेस करते हुए आगे बढ़ना होगा क्योंकि आप कर सकते हो आपके अंदर वो पावर है बट आप कहीं ना कहीं उसे अंडरस्टिमेट कर रहे हो अगर हम एग्जॉशन वाला देखे कार्ड उसे देखते हुए अगर कहा जाए तो मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है अपने अंदर की जो पावर है जो करेज है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ठीक है एंड मुझे बता रहा हूँ बहुत ज्यादा आप मतलब किसी चीज से परेशान हो चुके हो बट आप इससे दूर भी नहीं जा रहे हो आपके पास तो डायरेक्ट आपके पास काफी चॉइस होते हैं लाइफ में ठीक है हमेशा हमारे पास लाइफ में चॉइस होता है हमें लगता है कि कोई चॉइस ही नहीं मेरे पास कोई पर ऐसा होता नहीं जो कि हम खुद दरवाजे नहीं देखना चाहते कहते हैं ना एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे खुल जाते हैं ठीक है थीके? पर अब जब आपने खुद ही दरवाजे बंद करके रखे हैं तो फिर कैसे होगा ठीक है अगर आप चाहो तो रास्ते हैं बट आपको नहीं आप खुद ही नहीं देखना चाहते क्योंकि आपको जो भी हो रहा है ये राउंड राउंड में ही अब ये राउंड राउंड में ही आपको आदत या मजा आने लगा है ठीक है तो आप इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो ये भी चीजें होती हैं ठीक है क्योंकि माइंड को ना कोई नई चीजें करना पसंद ही नहीं होता है ठीक है अगर उसको दर्द में भी मजा मिल रहा है ना तो अगर आप सोचोगे कि आप थोड़े देर दर्द में रहोगे लेकिन आप कोशिश भी करोगे कुछ नई चीजें और आ, न्यू अटेम्प्ट करने को कि चलो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ या आगे बढ़ती बर, हूँ कुछ सोचती हूँ आगे करने को तो माइंड ना अगर आप कुछ करने भी चाहोगे तो वो ट्रिगर करेगा वही सारी पुरानी चीजें जैसे आप तो आगे ना ही न बढ़ पाओ क्योंकि उसे नई चीजें सीखनी नहीं नई चीजें करनी नहीं ही तो मजा आता है ना उसी चीजों में ठीक है उसे मजा आने लगता है तभी भी इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम होती है अपना कम्फर्ट जोन छोड़ने में भी क्योंकि जो माइंड है उसको उसे भी मजा आता है तो वो चाहेगा कि आप ना छोड़ो और आप सोचोगे ना छोड़ने को। वो आपको दस रीजन देगा ना छोड़ने के ठीक है अगर आप एक सोचोगे कि एक रीजन लोगे कि ठीक है ये रीजन है तो मैं तो करूंगी करूंगी बट क्या अब वो आपको हजार रीजन देगा कि उसको ना करो ठीक है तो ये चीजें भी होती है पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं आपको पार्टिसिपेट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना ठीक है एक हाथ से लेना एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है तो एक हाथ से लेना तो एक हाथ से देना तो यहाँ आपको पार्टिसिपेट करने को कहा जा रहा है अगर आप किसी से कोई आपके लिए कर रहा है कुछ आप किसी से ले रहे हो तो आप किसी को दो भी आपसे कहा जा रहा है आप एक हाथ से लो तो एक हाथ से दो अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ठीक है या आप किसी आप किसी से कुछ ले रहे हो तो आप उसको भी उतना ही लाइफ में दे चूंकि रूल यही है आप कोई ना कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम किसी के लिए कुछ करते हैं ठीक है तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, के लिए कह रहा है हो सकता है कि इस टाइम ऐसा कुछ हो कि बस मैं एक एग्जांपल एक ले रही आप इसे किसी भी तरह अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि अभी माँ बाप आपको बहुत प्यार कर रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपका ध्यान लेकिन उनपे नहीं है आपका ध्यान तो कहीं और है या पार्टनर पे हो सकता है अपने करियर अपने जॉब पे हो सकता है ठीक है तो कभी कभी क्या फोन पे स्पेशली ऑन फोन तो कहीं ना कहीं आपको शायद उन्हें भी टाइम देना चाहिए आप उनसे कुछ ले रहे हो तो कहीं कभी ना कभी उन्हें भी कुछ दे दिया करो आप ठीक है आप जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है पर उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि शायद आपका ध्यान शायद किसी की तरफ नहीं है जो जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है बट आपका ध्यान उन पे नहीं जा रहा है ठीक है तो अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो खुशी खुशी उसके लिए भी करो ठीक है उन्हें भी खुशी खुश होने का मौका होना चाहिए ठीक है मिलना चाहिए और हम ये भी कह सकते हैं कि राइट right. अः ये भी कह सकते हैं एज अ कर्मा भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम किसी को कुछ करते हैं अच्छा या बुरा ठीक है तो वो अच्छा और बुरा वो हमें भी रिसीव होता है ठीक है हमें भी रिसीव होता है ये भी आप ध्यान रखो आप किसी को अगर अच्छा करोगे उल्टा आप अच्छा ही पाओगे बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे ठीक है ये ही रूल्स हैं एज अ कर्म अगर देखा जाए तो ये रूल होते हैं कर्म के ठीक है अगर हम किसी को अच्छा देते हैं तो अच्छा मिलता है बुरा देते हैं बुरा मिलता है ठीक है और मैं आपको कर्म का एक चीज और बता दूं कि हम जो सोचते हैं वो हमारा कर्म होता है ठीक है हम जो बोलते हैं वो हमारा कर्म होता है और जो हम करते हैं वो हमारा कर्म होता है हमारे कर्म इन तीन चीजों से बनते हैं जब हम सोचते हैं जब हम बोलते हैं और जब हम करते हैं ठीक है थीके? तो अगर आप अच्छा काम करते हो लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे हो अपने बारे में ही या किसी और के बारे में ही अगर आप अच्छा कर रहे हो बट आप नेगेटिव सोच रहे हो कि मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है या फिर वो पर्सन कैसा है ठीक है जैसे भी आप नेगेटिव सोच रहे हो किसी के बारे में ठीक है तो क्या है आप नेगेटिव अट्रैक्ट आप ये आपका कर्म बन जाता है ठीक है तो वही चीज आपको मिलेगी ठीक है जैसा आप करोगे जैसा आप सोचोगे वही आपको मिलता भी है वही कहते हैं ना पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव पाओगे नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पाओगे जो कि आपका कर्म बन जाता है ना इसीलिए मैं बोल रही हूँ तो आप ध्यान रखिए सोचने बोलने और करने से पहले कि ये चीज आपको मिलेगी ठीक है तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अपना कैसे लगाम लगाने की कोशिश करें थोड़ा ध्यान रखें ये बोलने से पहले सोचने से पहले और करने से पहले ठीक है कि ये रिटर्न आपको मिलने वाला है तो कोशिश करें कि लोगों के लिए अच्छा ही करें आ, ये भी है कि अगर आपसे अनजाने में हो जाता है देन वो आपका कर्म नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने इंटेंशन intention, इंटेंशनली नहीं किया है ठीक है चलिए ये सब तो डीप वाली बातें हैं हम बाद में फिर कभी करेंगे इसको साइड करते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्य है तो आपको कहा जा रहा है कॉन्शियसनेस रहने को हो सकता है अपने इंट्यूशन हो सकता है आपकी बहुत अच्छी हो यहाँ पे आपको इंट्यूशन अच्छा करने को कहा जा रहा है मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है कि जो ये एग्जॉशन है हो सकता है आप इससे भी फ्री हो जाए और इन सब चीजों को करेज है जो आपके अंदर अभी तक नहीं जो अपने अंदर के पावर को आप नहीं समझ पाए हो वो भी आप मेडिटेशन के थ्रू समझ जाओगे या कह सकते आप अपना को टाइम भी दोगे तो भी आप अपने ट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो राइट मतलब काम बैठना है काम रहना अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप पूरे दिन में कोशिश करोगे काम रहो ठीक है ये भी आप कर सकते हो रिपर्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये जैसे जैसे यहाँ पे करेज का कार्ड है का कार्ड है जैसे ये फूल यहाँ से निकल रहा है तो वैसे ये देखिए ये कैमल भी देखिए शेर बन रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है ठीक है जैसे आपने अभी अपने, अपने को कैमल समझ के रखा है बट आप हो क्या लाइन हो ठीक है तो आप हो शेर बट आपको भी अपनी एनर्जी अपने पावर्स का कोई अंदाजा ही नहीं है ठीक है तो आपको कहना जा रहा है कि अपने पावर्स को पहचानो कॉन्शियसनेस एंड वो जो आप ऐसी लाइफ जी रहे थे ना ऊट वाली ठीक है एग्जॉशन और ऊट को हम कह सकते कैमल और एग्जॉशन को रिलेट करके बता सकते हैं कि जो भी आप कैमल वाली लाइफ जी रहे बस रेत में चलते जाते चलते जाते चलते जाते क्या आप शेर हो जंगल के राजा हो आप ठीक है रूल करने आपकी क्वालिटी है ठीक है शिकार करना आपकी क्वालिटी है सबको एक बराबर समझना आपकी क्वालिटी है शेर की जो जो क्वालिटी आप समझ सकते हो ठीक है तो आप पे आपके अंदर बहुत क्वालिटी आप किसी से डरते नहीं हो ठीक है ये सारी क्वालिटी सारे पावर्स आपके अंदर है बट आपने पहचाने नहीं है अभी तक जाने नहीं ठीक है पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स फोर नंबर है नाइन नंबर है एट नंबर है ठीक है देखिए कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस में कोई नंबर नहीं है ये तभी होता है जब हम लोग जीरो लेवल पे चले जाते हैं कुछ दिमाग में नहीं होता कुछ भी नहीं जीरो कुछ भी नहीं टेन इसलिए इसमें कोई नंबर नहीं है कॉन्शियसनेस इज जीरो राइट सेवन आया है यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो जो आपके पॉलिटिक्स करते हो या आपका बुरा चाहते हो आपका अच्छा नहीं चाहते हो ठीक है तो आप कोशिश कीजिए उनसे इन्फ्लुएंस ना हो ठीक है और वैसे कोई पॉलिटिक्स कर भी रहा है आपके खिलाफ तो आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए पहली बात तो क्योंकि वो सोच रहा है जैसे कि मैंने कहा था आप सोचते हैं वो आपका कर्मा बनता है राइट ठीक है आप किसी से जेलस हो रहे हो वो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप जिससे जलस हो रहे हो लेकिन आप जलस हो रहे हो किसके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है आपके किसको अफेक्ट कर रहा है आपको तो कहीं ना कहीं वही कही बात कही जा रही है अगर आपके आसपास कोई पॉलिटिक्स कर भी रहा है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना ही बुरा गलत कर रहा है बट आपको ध्यान रखना है सब पे ट्रस्ट नहीं कर लेना है ठीक है ट्रस्ट सब पे नहीं कर लेना है आग बन करके थोड़ा आप अपना इंट्यूशन यूज करें और सही दिमाग से अपना रास्ता चुने और डिसीजन लें अपने लाइफ के चलिए देख लेते हैं इसके थ्रू भी कुछ मैसेजेस ओके okay. पहले तो हम ये देख लेते क्या है स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड आपसे थोड़ा आपसे कहा जा रहा है थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर हटने को लिए ठीक है या भी हो सकता है कहा जा रहा हो भेड़ चाल में ना चले ठीक है जो सब करे जरूरी नहीं है आप वही करें देखिए बात वही कही जा रही है जरूरी नहीं है जो सब कर रहे वो आप करे आपको जो पसंद है आप वो भी करोगे हो सकता है आप वही कर रहे जो सब कर रहे इसलिए आप थक चुके हो सब चीजों से आप वो करो जो आपको पसंद है करना हो सकता है आप वो करना चाह रहे हो जो सब कर रहे हैं देन आपको उसमें मजा ही नहीं रहा है वो 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 चीज वो स्पार्क नहीं मिल रहा है ठीक है किक नहीं मिल रही कहते हैं तो वो मजा ही नहीं आ रहा है आप भीड़ से अलग हो जैसे कि हमने कहा भी, आप कैमल नहीं लाइन हो तो आप भीड़ से अलग हो तो आप अपनी चीजों को अपने आप को पहचानो ठीक है आप अलग हो आप अपने पावर्स को पहचानो इसके काफी और कई मतलब हो सकते हैं राइट डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ तो छोटी-छोटी बातों पे आप पसीना ना बहाएं उसको ना ध्यान दें ठीक है फोकस रखिए आपको जो चाहिए सिर्फ उस पे ध्यान दें आप इधर-उधर की चीजों को ना ध्यान दें जस्ट लाइक हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ी लाफ की कमी है ठीक है तो खुश रहें ठीक है आपको खुश रहने की ज्यादा जरूरत है खुश रहें और वो चीजें करें जो आपको पसंद है ठीक है और ऐसी चीजें देखिए जो आपको हस, आप हंसते हो जिसे देख के आप खुश, खुशी मिलती है राइट तो आप वो चीजें करिए, ठीक है आपसे कहा जा रहा है Speak with ठीक है? हो सकता है आप हो किसी से रूडली बिहेव कर दिया हो या कोई रूडली बात कर दी हो तो वही मैंने आपको आप बता ही दिया है कर्म कैसे वर्क करता है ठीक है अगर हम हमारा कर्म बनता कैसे है सोचने से बोलने से और करने से तो अगर आप प्यार से बोलोगे तो लोग आपको वापस ही प्यार ही देंगे ठीक है ना कोई आपको नफरत नहीं देगा और कोई दे भी रहा है नफरत तो वो अपने अंदर दे रहा है उसका कर्म बन रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो आपको ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रख के चलनी है जिससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव रहोगे और अच्छी चीजें ही सोचोगे और अगर कोई दूसरा दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होगी पहली बात तो यह कि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे अगर कोई आपसे जेलस भी करा लोग क्या होता है परेशान रहते हैं कि वो मुझसे जलता है या वो मुझसे जलती है तो वो अपना कर्मा बना रही है वो जलने से उसी का वेट लॉस होगा वही परेशान होगी आपका कुछ नहीं जाता आप आगे जा रहे हो तभी वो जल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही कि आप आगे जा रहे हो आप चाहते हो डाउन हो जाओ वो ना जले आपसे ठीक है तो ये सब चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है और कोई और जल रहा आपसे उसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं होती है ठीक है तो ये सब भी चीजें ध्यान रखें चूंकि लोग करते हैं लोग सोचते हैं कि वो मुझसे जल रहा है आप खुद परेशान हो रहे की वो मुझसे जलता है या वो मुझसे जलती है ठीक है जलने दीजिए जिसको जो करना है करने दीजिए आप क्या कर रहे हैं आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है राइट तो ये थी आपकी मैसेज अगर अच्छे लगे हो, ठीक है रिरेजनेट किए हो या इन्फॉर्मेटिव लगे हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं जिन्होंने पाइल थ्री चीव किया था ये ट्रैप तो चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस है गाइडेंस आपको क्या मतलब एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ठीक है चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं मेच्योरिटी ओके और ये जनरल रीडिंग है तो आपसे जो रेजोनेट करता है और तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो और जो नहीं करता तो कोई बात नहीं हो सकता आपके लिए जो आया है मैसेज वही काफी हो और वो आपको कोई न्यू डायरेक्शन दिखाना चाहता हो कुछ बताना चाहता हो कुछ समझाना चाहता हो और आपके क्वेश्चंस के आंसर हो कुछ ठीक है जो आपके मन में चल रहे हैं तो आप सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करो वाह आपके आपके कार्ड में तो गाइडेंस ही आ गई ठीक है गाइडेंस ही आ गई एंड रेनबो कलर कार्ड्स आ रहे हैं आपके में बहुत कलरफुल कार्ड्स हैं ये मुझे बता रहे हैं, कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है बहुत सारे कलर्स अच्छा रिसेप्टिविटी Okay. तो मुझे लगता है कि कि आप में से काफी लोग क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन है और कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से यानी पे आया है नंबर थ्री फोर फाइव ठीक है लाइन से थ्री फोर एंड फाइव चलो ये तो देखते हैं मैच्योरिटी तो मैच्योरिटी मुझे लगता है कि अब आप कहीं ना कहीं चीजों को समझने लगे बहुत बेहतर तरीके से ये जो लाइफ की डायनेमिक्स होती हैं शायद आप उन्हें बेहतर तरीके से समझने लग गए हैं या तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है या आप में है ऑलरेडी और मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से बहुत अच्छा कनेक्शन है कहीं ना कहीं ठीक है या फिर आप बहुत आपके अंदर तो बहुत कलर्स हैं और चूंकि ये एक रेनबो कार्ड है ना हम देख सकते हैं इसमें जो कलर्स है और ये जो भी कलर है वो चक्रास के कलर्स है कहीं ना कहीं जब हम हमारे चक्रास बैलेंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अलग मैच्योरिटी आती है और हम चीजों को अलग तरीके से देखने लग जाते हैं जो और लोग नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं चीजों को देखने का नजरियों में या तो बदलाव आने वाला है या तो आप में से काफी लोग बदलाव महसूस कर रहे हैं एंड मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं मेडिटेशन भी कर रहे हो और अपने बैलेंस अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कुछ लोगों के हो भी रहे हैं और आपको कही न कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है आपके लिए गाइडेंस का कार्ड खुद ब खुद आ चुका है ठीक है तो एंजल्स बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ ऑल टाइम है और वो आपको नंबर्स दिखा के या कोई ना कोई हिंट uh, दे के या कोई ना क्ल्यू दे के वो आपको आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको गाइड uh, करते रहते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं ये करो वो मत करो कुछ भी है आपको बस थोड़ा गाइडेंस मिलती रहती है नंबर्स के थ्रू या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं आपके आसपास फिर आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ ठीक है तो कहीं ना कहीं आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है एम्स आपके साथ पूरे समय आपके साथ हैं और आपको देख रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं चूंकि आपने हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हों और आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स एंजल्स और खुद से सबसे पहली बात तो होती है खुद से बन रहा है चूंकि मैच्योरिटी भी तभी आती है जब आप का अपने आप से कनेक्शन बहुत बेहतर बन रहा है या तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप अपना कनेक्शन खुद से बेहतर बनाएं और उस मेच्योरिटी लेवल पर ले जा ले जाएं खुद को और अपने सारे रंग देखें जो रंग आपके अंदर जो कलर्स आपके अंदर हैं उसे रिफ्लेक्ट कीजिए बाहर ठीक है स्पेशली द लव जो कलर लव का है वो रिफ्लेक्ट कीजिए अपने अंदर जो आप, आप के अंदर जो कलर्स हैं ठीक है चलिए टोटालिटी पे चलते हैं टोटालिटी तो का कार्ड आया है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसमें लोगों के साथ थोड़ा बैलेंस बना के चलना ठीक है लोगों के साथ बैलेंस बना के चलना और आगे बढ़ते जाना कहीं ना कहीं ये कार्ड वो दिखा रहा है कि आपको लोगों के साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए ठीक है और आगे बढ़ते जाना है हमें ठीक है अ पीछे को पास्ट छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे तो आपको शायद पास्ट को थोड़ा रिसेप्टिविटी का कार्ड है तो रिसेप्टिविटी ये बोलना चाहता है जो आप इसमें देख सकते हो एक लेडी है ठीक है तो ये क्वीन ऑफ वाटर है ठीक है तो ये क्वीन ऑफ वाटर है वो एक्सेप्टेंस के बारे में बताना चाहती है कि एक्सेप्ट कीजिए जैसे पानी है बहरा है उसमें अगर कोई लीफ गिर जाती है तो वो उसी के साथ बहता चला जाता है बहता चला जाता है जैसे जिस तरफ पानी का फ्लो होता है ठीक है तो वो क्या है एक्सेप्टेंस है जो भी आ रहा है आगे बढ़ते ही जाना है ठीक है रुकना नहीं है क्योंकि जो, जो रुका हुआ पानी थमा हुआ पानी होता है उसमें क्या होता है एलगी जम जाती है और वो फिर क्या होता है वो पानी गंदा हो जाता है तो हमें भी ऐसे ही लाइफ में रुकना नहीं है आगे बढ़ बढ़ते जाना है और जो भी लाइफ में चीजें आ रही हैं ठीक है जैसा भी है क्योंकि वो जो पानी होता है जो बहता पानी है वो न जाने कौन कौन से रास्तों से गुजरता हुआ जाता है थोड़े पथरीले पत्थरी, रास्ते भी आते हैं स्मूथ रास्ते भी आते हैं तो वो सब कुछ एक्सेप्ट करता चल जा जाता पत्थरीले है चाहे पथरीले रास्ते हो बर्फीले जैसे भी रास्ते हो वो सब चीज को एक्सेप्ट करता जाता है ठीक है तो ये भी हमें पानी से सीखना बहुत अच्छा सीखना चाहिए एक्सेप्टेंस राइट और यहाँ पे आया है टर्निंग इन तो आपसे कहा जा रहा है जैसे कि आप ये कार्ड खुद भी खुद देख सकते हैं जो ये पर्सन uh, हैं बैठे हुए हैं तो आसपास आप देख सकते हैं क्या है जो लोग इतनी सारी बातें करते हैं फालतू बातें करते हैं ठीक है ठीके? उनसे थोड़ा दूर हट के आपको अपने आप को टाइम देने को कहा जा रहा है यहाँ पे कि मेडिटेट करें खुद को टाइम दे और इस मेच्योरिटी लेवल पे आए ठीक है खुद से कनेक्शन बनाए गाइडेंस आपको खुद मिलने लग जाएगी राइट और आप में से काफी लोग मुझे लगता है उस तरह का कनेक्शन खुद पे से बना लिए हैं और स्पिरिचुअलिटी में कदम रख रख दिए हैं या कदम उस तरफ बढ़ गए हैं आपके राइट और ठीक है देखते हैं कि और आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग को लगता है कि गॉड नहीं है गॉड कौन है गॉड क्या है तो देखिए वो भी एकदम सही राह पे चल रहे हैं ठीक है ठीके? आप भी बहुत सही राह पे चल रहे हो आप खुद से क्वेश्चन करो खुद जानो ठीक है अगर आप मैं बताऊंगी आपको तो शायद कहीं ना कहीं आप सुन लोगे ठीक ओके, ओके, है फिर आप उस टाइम कुछ टाइम के लिए भूल जाओगे और फिर आप से सेम यही क्वेश्चन खुद से फिर से करोगे ठीक है जब कोई सिचुएशन आएगी ठीक है तो क्या है कि गॉड जो है वो क्या है एक एनर्जी हमारे अंदर ही है ठीक है आप खुद को ही अगर आप गॉड को भी नहीं मानते हो जब अगर आप गॉड पे नहीं ट्रस्ट करते तो खुद पे कर लो ठीक है जो की आपको अगर लगता है कि गॉड तो कुछ नहीं करने वाले तो मुझे खुद ही करना होगा ऑब्वियस सी बात है अगर गॉड नहीं करेंगे तो खुद करना होगा तो खुद पे ट्रस्ट करो खुद पे बिलीव करो कोई बात नहीं गॉड पे मत बिलीव करो गॉड भी नहीं कहते मुझ पे पे ट्रस्ट ट्रस्ट करो करो गॉड कहते सब खुद सबसे पहली बात है खुद पे ट्रस्ट करो ठीक है अगर आप कोई अगर मानता है बहुत अच्छी बात है आप गॉड को मानते हो गॉड को मानना चाहिए बहुत अच्छी बात है आप बिलीफ है सबका अपना अपना बिलीफ है बट क्या है अगर जो लोग नहीं मानते गॉड को एंड कहते गॉड नहीं होते ठीक है अच्छी बात है आप गॉड नहीं होते बोल रहे बहुत अच्छी बात है वो भी बहुत अच्छा है कि आप नहीं मानते खुद पे ट्रस्ट करते हो बहुत अच्छी बात और जो गॉड पे ट्रस्ट करते हैं उनकी वो भी बहुत सही है बट क्या होता है ना आप वहां फंस जाते हो जहां आप गॉड को तो ट्रस्ट कर रहे हो और मिल सॉरी गॉड को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो एंड आप ये स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें देखते हो ठीक है जैसे ये टैर ट्रेडिंग ये भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है ये सब देखोगे और कहोगे मैं गॉड गॉड तो होते नहीं है मुझे पता है आप में बहुत स्ट्रेंथ है आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा तब जाके आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है तब आ, आप जाके ये स्टेटमेंट कहते हो कि आ, मैं तो गॉड को नहीं मानता गॉड नहीं होते अपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है ठीक है और ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है ना ये सब जो आपने फेस कर लिया वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है वो भी कहीं ना कहीं कहीं से तो आ रही होगी वो स्ट्रेंथ जो आपको इतना कुछ फेस करने फेस करने की ताकत देती है वो कौन देता है आपको गॉड देते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं मैंने ये कमेंट बॉक्स में देखा है लोग कहते हैं गॉड तो होते नहीं है गॉड मैंने मैं नहीं मानती गॉड को ये वो ठीक है और कहीं ना कहीं आप हमारे ही चैनल पे आके कह रहे होते हो जो कि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी श्वर्ष्वेल पर है ठीक है तो ये चीज थोड़ी डेंजरस जाती है, एक तो आप नहीं भी मानते और आप देख भी रहे हो ठीक है या तो आप मानो या तो आप बिल्कुल भी, भी मत मानो ठीक है ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए डेंजरस हो जाती है कि आप लोग मानते भी हो नहीं बीच में अटक जाते हो और ऐसे ही आप परेशान रहते हो आप एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते उसके चक्कर में ठीक है ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते हो आप ऐसे ही फंसे रह जाते हो तो या तो आप मत मानो या तो आप मानो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा क्लियरिटी आपको मिल जाएगी लाइफ में कि क्या करना है नहीं तो ऐसे ही आप इसी कंफ्यूजन में फंसे रहोगे ये मुझे लगा कि बता देना चाहिए आई विश कि जिन लोगों को इस तरह की चीजें हैं और वो फेस कर रहे हैं तो उनको क्लैरिटी थोड़ी मिल जाएगी मेरी इन बातों से आई विश कि ये वो वीडियो ये वीडियो तो वो देख ही लें और ये वाला फाइल चूज कर लें कि उन तक मिस मेरी बात पहुंच जाए और अगर ये बात अगर मैंने आपको भी बोली है और आपको लगता है कि किसी से शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ आप शेयर करो जिनको ज़रूरत है उन्हें बताइए इस तरह की चीज़ें शायद आपके थ्रू ही शायद मुझसे ना आपके थ्रू पहुंच जाए ये बातें देखिए आपके मैसेज भी कुछ इस तरीके से आए हैं टेक अ ब्रीथ टेक अ ब्रीथ है यहाँ पे पर यहाँ पे मतलब वही है टेक अ ब्रीथ आपको यहाँ पे ब्रीथ लेने को कहा जा रहा है ठीक है तो आपसे कहा जा रहा है कि ब्रीथ लो सांस लो ठीक है काम रहो स्पीक विथ लव आपसे कहा जा रहा है कि प्यार से बात करो ठीक है यहाँ पे है इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट तो फिर यही चीज आपके लिए आती है इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट दुनिया जो भी कहती है जो बोलती है उस पर ना ध्यान देकर अपने खुद की स्पिरिट से कनेक्शन बनाए उस पर ध्यान दे ठीक है तभी आपको ये जो गाइडेंस कहते हो ना वो मिलना शुरू हो जाएगी बात मानो कोशिश करके देखो ट्राई करने में क्या ज्यादा है आपने इतना कुछ ट्राई किया लाइफ में हो सकता है आपको अः नहीं उस तरह का रिजल्ट मिला हो जैसा आप चाह रहे हो बट एक बार ट्राई करने में जा सब कुछ ट्राई किया तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं क्यों ना करके देखते हैं शायद इसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट मतलब मेरे लिए कुछ बेनिफिट हो इसमें कुछ ठीक है थीके? तो थोड़ा बेनिफिट अपनी देखने के लिए एक बार ट्राई करके देखिए ना क्यों ना अपने इन्वेस्ट किया जाए अपने स्प्रिट के साथ थोड़ा दोस्तों से वैसे आज के जमाने में तो बहुत मुश्किल है कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूर थोड़ा दोस्तों से दूर बना के खुद अपने स्प्रिट के साथ थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो बट आपके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा उनको कोई बेनिफिशियल नहीं इससे उसका बेनिफिट मिलेगा आपको ही बनेगा आप अपने लिए कर रहे हो ये चीज और आपसे कहा भी जा रहा है कि आपको गाइडेंस भी मिलने शुरू हो जाएगी अगर अभी तक नहीं मिल रही है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो शायद कहा जा रहा है कि आप इस इसमें आओ मेडिटेशन करो काम रहो इस आप जब इस स्थिति में आ जाओगे तब आपको शायद गाइडेंस मिलना मेच्योरिटी लेवल आपका बढ़ना आप में अंदर एक्सेप्टेंस आना ये सब आपका शुरू हो जाएगा आप फील करने लग जाओगे ये सब देखने लग जाओगे एक बार ट्राई करने में क्या जाता है राइट right? जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए है ये ठीक है? जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कॉल योर स्पेड हाउस हो सकता है कि आपका कोई स्पेड हाउस हो जो आप चाहते हो जहां से आपका दिल जुड़ा हुआ है आप आप चाहते हो कि मेरा भी ऐसा कोई घर हो या ये हो, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं वही बात कही जा रही कॉल योर हाउस तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड वो जो आपका ड्रीम हाउस है जो भी आपका स्पेट हाउस है वो आपको मिले ठीक है तो आप हो सकता है आप में से काफी लोग अपना घर खुद का घर चाहते हो लाइफ में हो और वो उसे मैनिफेस्ट भी करते हो सोचते हो कि अगर मेरा घर होगा तो हम ऐसा रखेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे ठीक है तो ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहिए बहुत अच्छी बात है ब्रीथ कीजिए अपने स्पिरिट के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाइए उसमें invest इन्वेस्ट कीजिए इन्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं अपने स्पिरिट के साथ अफर्मेशन दे के मेडिटेशन करके ग्रैटिट्यूड दे के कि थैंक यू थैंक यू मुझे ये देने के लिए थैंक यू मुझे वो देने के लिए जो भी आपको मिला है उसके लिए बस थैंक यू कहना है आपको ठीक है आपको मांगना नहीं है गॉड से पहले तो आप गॉड से मांगना छोड़ के धन्यवाद देना शुरू करिए तो आपकी लाइफ ऑलरेडी बेटर हो जाएगी जो कहते हैं ना कि मैं गॉड को नहीं मानता या नहीं मानती ठीक है आप भी तो मांग ही रहे हो उनसे ठीक है तो अगर आपको नहीं मिल रही वो चीज फिर आप उनसे गुस्सा हो जाते हो नहीं मानते हो ये वो ठीक है तो आप क्या करो मांगना छोड़ो और शुक्रिया अदा करना शुरू करो ठीक है और अफॉर्मेशन कहो कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा मैं बहुत अच्छी हूँ मैं अपना पूरा हंड्रेड परसेंट देने वाले और मेडिटेशन in भी कर सकते हो सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो मेडिटेशन वाली ये भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का काम करेगी ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा रेजिनेट करती है अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो और न्यू बस प्लीज सब्सक्राइब मई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग